नमस्कार, न्यूज इन व्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। मैं गीत दीक्षित। शुरुआत करते हैं दमोह से, जहां उपचुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब दमोह के दंगल में 22 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी के लिए उन्हीं के चचेरे भाई वैभव सिंह ने चुनौती दी है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोधी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां पर कैंप करे हुए हैं और वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी पूरे चुनाव पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर अभी अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। इस पर चर्चा करेंगे कि जो दमोह के दंगल को अगर देखा जाए, तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई और ऐसे में अब यहां पर प्रचार का एक बार फिर दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण भी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि कल जब नाम वापसी का आखिरी दिन था, तो सबसे पहले 11 लोगों ने अपने नाम वापस लिए। कल थोड़ी सी वहाँ तहसीलदार के सामने जो है, जो थोड़ा सा झूमा झटकी और अपशब्दों की बारिश हुई थी प्रत्याशियों के बीच में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थकों का नाम आ रहा है, एक बात, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो अब 22 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं, उसमें सर्वाधिक जो है राहुल नाम के लोग हैं, एक वो चुनौती का सामना है। अजय नाम से भी कल लगभग 3 कैंडिडेट हैं, तो ये भी एक तरह से मतभिन्नताओं के दौर के साथ आती हैं बातें। लेकिन अब जो चुनावी रणभेरी में जो अब प्रचार का दौर हो, चाहे जनसंपर्क का दौर हो, चाहे संपर्कों का दौर हो, इसमें कांग्रेस और भाजपा को दमदारी से, लेकिन इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात है कि बसपा और सपा ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए हैं। तो इसका मतलब है क्लीन स्वीप के लिए सीधे तौर पर जो है कांग्रेस, भाजपा और वैभव सिंह, जो एक तरह से राहुल लोधी के चचेरे भाई हैं, उनके त्रिकोणीय मुकाबले में देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात और है कि मलैया परिवार से, क्योंकि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो होम क्वारंटाइन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा सा झटका लगेगा। ऋतु, हमारे साथ फोन लाइन पर ब्रजेश जी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और चेतन जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीएनएन में। शुरुआत ब्रजेश जी, मैं आपसे करूंगी, दमोह के दंगल के लिए दोनों ही दल यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों के लिए दमोह सीट जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है? देखिए, बहुत साफ सी बात है, जिस तरह से दमोह के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो जयंत मलैया के परिवार को तहमीनी करके इन्होंने राहुल लोधी को टिकट दे दिया, और राहुल लोधी को टिकट देने के बाद अब स्थिति ये हो गई कि राहुल लोधी के चचेरे भाई उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो 22 उम्मीदवार इस पूरे के पूरे चुनाव में है, उन पूरे चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी का पक्ष इसलिए मजबूत है क्योंकि जिस तरह का नारा मोदी जी देते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, तो वो एक तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बात जा रही क्योंकि वो लोकल आदमी है, और दूसरी बात यह है कि वो 24 घंटा जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। उसकी राहुल लोधी जी की तरह पलटी मार व्यक्ति नहीं है, वो राहुल लोधी जी की तरह अवसरवादी नहीं है, फिरका परस्त नहीं है, इसका जनता पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं चूंकि दमोह के उसमें अभी एक मित्र के साथ गया था, तो मैंने देखा वहां की जो आबो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। पक्ष में इसलिए है क्योंकि उसके दो कारण है, एक तो लोगों की नाराजगी इसलिए है कि हमने राहुल लोधी जी को जिता करके कांग्रेस के बैनर से भेजा था, एंड टाइम पे आपने जयंत मलैया जी की टिकट काट करके राहुल लोधी को टिकट दे दिया, और राहुल लोधी सिर्फ सिंधिया जी के ग्रुप से जुड़ गए थे और उनको शिवराज सिंह जी ने ओबलाइज किया स्टेट में। तो बीजेपी का मसला है ना कि वो टिकट किसको भी दे, इससे कांग्रेस को क्या मतलब? इससे जनता का मतलब है मैम, जनता जो होती है, जनता हर चीज का आंकलन करती है, प्रत्याशी कौन हमारे लिए दमखम वाला है, प्रत्याशी कौन मेरे सुख दुख में साथ खड़े रहेगा, जिसको मैं जिता के भेजूं पूरे 5 साल हमारे विश्वास में खड़ा हूँ। एक एक मतदाता का एक एक वोट अमूल्य होता है। अगर किसी भी विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी को जनता जनार्दन जिता के भेजती है और उसके बाद वो जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरना, तो दूर जनता के ही जो है वो सीने पेट में छुरा भोग दे, तो उसको जनता कैसे एक्सेप्ट कर सकती, ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है, बीजेपी से भी सुन लेते हैं कि बीजेपी का क्या कुछ कहना है। क्या चेतन जी, मलैया को टिकट ना देकर राहुल लोधी को टिकट दिया, इसका कुछ खास असर देखने को मिलेगा वहां पर? आपने भी सुना क्या कुछ ब्रजेश जी ने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के आधार पर चुनाव लड़ती है, अपने कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, और गरीब जनता जनार्दन की जो सेवा हमने स्वच्छ और निष्पक्ष भाव से एक सेवक के रूप में निरंतर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं,
उस प्रभाव के दम पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। मैं आप बहुत गौर से सुन रहा था, मैंने मित्र पांडे जी को भी सुन रहा था, ये अपनी कोई खूबी नहीं बताते कि मलैया जी क्या ये हो गया, ये उनके यहाँ ये हो गया, तो ये लोकल पार वोकल। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आज नहीं, 2 साल पहले का लोकल पार वोकल और इस नारे पे आपके बड़े नेताओं ने हंसी उड़ाई है। तो क्या कहोगे आप, सच हो या वो आपके बड़े नेता सच है? जमीन पर बात करो, ग्राउंड लेवल पर आकर बात करो। एक कार्यकर्ता का आपका सम्मेलन नहीं होता है, काम करने वाले लोग आपके पास है नहीं, नेता है नहीं, नीति है नहीं, नियत है नहीं, कैडर है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं। अब तो ये हालत है कि कांग्रेस के इस परिवार में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे अन्य जिनको कांग्रेस बड़ा नेता मानती हो, इन सबने ही दमोह के उपचुनाव से बराबर दूरी बना करके रखी है और सबने कहा है कि नहीं ये चुनाव तो कमलनाथ जी ही चुनाव जिताएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियों में जो हम देख रहे हैं, अभी कल एक चैनल पर कांग्रेस को किसी मित्र बैठे थे, शायद अजीत जी थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दमोह में गरीबों के 17,000 गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवा दी। जब हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हो और आप विरोध कर रहे हो, तो आप सोचिए ना आपके पक्ष में क्या होने वाला है। मुझे लगता है आप बिकाऊ टिकाऊ ये सब चीजें छोड़ो ना भैया, कब तक रोओगे, कब तक रोओगे? जिस चमकदार चमकीले रौबदार चेहरे के कारण आप सरकार में आए, आपने उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो बाहर का रास्ता जब उनको आपने दिखा दिया तो दमखम के साथ आए और उन्होंने आपकी सरकार को संसद और सॉरी विधानसभा से लेकर के सड़क पर लेकर के आ गए। और आपको याद होगा आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों ने जब पूछा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य साहब ने कहा कि अगर आप अपने वादों पर खरा नहीं उतरोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा था तो उनको रोका कि सड़क पर उतर जाए। और देखिए आप विडंबना कि ज्योतिरादित्य जी सड़क पर उतर गए तो कमलनाथ जी कहाँ चले गए? तो मुझे लगता है कि कम से कम बातों में स्पष्टता होना चाहिए। चेतन जी सिंधिया तो अभी तक सड़क पर उतरे नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि राहुल लोधी क्या दमोह की जनता की पहली पसंद बन पाएंगे? जो राहुल लोधी कल तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। निश्चित रूप से दमोह के जो विधानसभा की सीट है उस पर कौन किसकी पसंद बनेगा ये मुझको नहीं पता है, लेकिन उस क्षेत्र की लोकल जो आवाज है वो कमल का फूल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ही लोग चाहते हैं और लगातार लंबे समय तक लोगों ने अपना असीम स्नेह और प्यार दिया है। और मैं इसलिए दीदी से और कहना चाहूंगा कि अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, इसी दमों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ लीड ली थी इसी विधानसभा में। तो जनता ने जो गलती की थी उस गलती का प्रायश्चित किया है, और दमों की जनता सौभाग्यशाली है कि प्रायश्चित के बाद उसका प्रत्यर्पण तर्पण करने का भी अवसर फिर से इस राजनीति में मिला है। तो मुझे लगता है दुगनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कोई संशय नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और माननीय वीडी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की फौज डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रही है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज। चेतन जी मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन एक बार जरा ब्रजेश जी से मत, ब्रजेश जी भाजपा तो अपनी कैडर वेस पार्टी पोलिंग बूथ पे काम करने वाली और पन्ना प्रभारी मतलब इसको लेकर तैयार मुस्तैद और तैयारी के साथ मैदान में जुटी हुई है, लेकिन जहां तक मैं कांग्रेस को जानता हूं समझता हूं जितनी मैंने पत्रकारिता करी है उसमें देखता हूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी नजर आती है। लेकिन ठीक है आप दावा करेंगे कांग्रेस बिखरी नहीं है, लेकिन कमलनाथ के अलावा अगर मैं संजय यादव की बात करूं, लखन घनघोरिया की बात करूं और बाकी तमाम जो विधायक हैं उनकी बात करूं, उसके अलावा कोई बड़ा नेता वहां नहीं जा रहा है, चाहे मैं अरुण यादव हों, चाहे वो अजय सिंह हों, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हों, चाहे सुरेश पचौरिया। आखिर ड्यूटी कब तक कब से लगेगी? देखिए जी इसमें कोई शक नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में आप देश की पत्रकारिता के पहली पंक्ति के बड़े प्रखर पत्रकार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र के सवाल को ले लूं, इनके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा दीक्षित साहब कि इनके लिए तो दोस्ती हुए दुश्मनी, इनके साथ सलामी दूर से अच्छी लगती है, राजनीति में इनके लिए कोई नहीं सगा, ये बात सच्ची लगती है। क्योंकि जिस सिंधिया जी को लेकर के ये बड़ी बात अभी कर रहे थे, सिंधिया जी को ये अपने दमों के प्रचार तक में नहीं बुलाना चाह रहे, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र व चेहरा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी मुकेश नायक जी के भाई को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है,
कभी किसी और को। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो रणनीति उनकी इसलिए फुस्त होते दिख रही है क्योंकि मैंने आपसे पूर्व में आग्रह किया कि ये जो बुंदेलखंड की पट्टी है दमोह, खासतौर से दमोह का इलाका, पथरिया का इलाका, यहाँ के मतदाता कुछ मामले में बहुत रूढ़ी होते हैं, हमने देखा है बड़े पास से, और बड़े जज्बाती होते हैं। तो इन लोगों ने जब राहुल लोधी को कांग्रेस जिता के भेजा जयंत मलैया के अंगेश में, जयंत मलैया वहां के बड़े कद्दावर नेता थे, लगातार चुनाव जीत रहे थे, तो उनको जो आदमी सात बार से चुनाव जीत रहा है उसको हरा करके जयंत मलैया जी की जगह इनको भेजा राहुल लोधी को, तो ये विश्वास करके भेजा था कि राहुल लोधी जी जब विधानसभा पहुंचेंगे तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, हमारे क्षेत्र के विकास को उच्चतर दिशा देने। मैं ब्रजेश जी आपको बीच में टोकना चाहता हूं मैं, लेकिन अब वही कांग्रेसी राहुल लोधी को बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं, मेरी बात आप समझिएगा। लेकिन खैर, मेरा जो इशू था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था कि बड़े नेताओं की ड्यूटी कब से, क्योंकि आज 4 तारीख हो गई है और आप मोटे तौर पर मानिए कि 13 दिन बचे हैं, 13 दिन बाद जो है मतदान है, मतलब 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा। बड़े नेताओं की ड्यूटी कब से, कमलनाथ अभी तक एक बार गए, उसके बाद उनके दौरे कार्यक्रम कितने? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन से 30 लोगों की जो हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है और आपको कल से वो सब ड्यूटी दिखने लगेगी जमीनी स्तर पे। जो 13 दिन का समय बचा है उसको हम लोग पूरी तरह से उसका संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे और पूरे इस 13 दिन के समय में कांग्रेस पार्टी का हर वो स्टार प्रचारक और हर वो नेता जाएगा जिसका दमोह के साथ अपना रिश्ता है। चलिए, चेतन जी से एक कमेंट लेता हूँ। चेतन जी, वैभव सिंह राहुल लोधी के चचेरे भाई, कितनी चुनौती और कितना सामना करेगी भाजपा? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के आधार पर, अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ती है, हम किसी की कृपा पर नहीं है जी, ये बात सबको समझ लेना चाहिए। कई बार यदा कदा लोग कहते हैं सपा बसपा फलाना ढिमका, तो हमने, हमारी पार्टी ने बहुत साफ स्टैंड अप तय कर लिया है, 50+ वोट ऑफ परसेंट हमको पार्टी का चाहिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी सारे देश में 50% के साथ हर विधानसभा में तैयारी करके अपना काम करती है। तो जब हम 50+ के ऊपर हमारी तैयारी है तो मुझे लगता है इफ एंड बट का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो जन कल्याणकारी नीतियां, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो देश में किए गए काम है, जो भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व संगठन है, क्या ये सब इन सारे विरोधियों को मात देने के लिए पर्याप्त है? मेरे मित्र भी कह रहे थे कि राहुल सिंह जी बाहर के, इन्हीं बाहर पर तो आपने दाव खेला था। नहीं, ठीक बात है, आप इससे परेशान क्यों हैं? लेकिन चेतन जी, पिछली बार 796 वोटों से राहुल लोधी जीते थे, मतलब जयंत मलैया को बहुत कम अंतर से हराया था, चूंकि जयंत मलैया वहां का एक बड़ा कद्दावर नेता है। लेकिन अब वो बढ़त को बढ़ाने के लिए राहुल लोधी को और भाजपा को बहुत मेहनत करेगी, पोलिंग बूथ तक बहुत मेहनत लगेगी। निश्चित रूप से दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि हैदराबाद के चुनाव में भी हमारे गृह मंत्री प्रचार करने जाते हैं तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इस तरह का कहीं चुनाव होता है कि गृह मंत्री स्थानीय नगरी निकाय के चुनाव है? मेरा योद्धा अगर पंचायत के चुनाव में भी अगर चुनाव लड़ेगा, अगर आवश्यकता हो तो मेरे देश का प्रधानमंत्री उसका प्रचार करने आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक बात है, ठीक बात। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक रिएक्शन कीजिए, आपसे लेना चाहूंगी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का दमोह सीट पर दावा तो कर रही है, लेकिन दमोह की जनता की पहली पसंद कौन होंगे? क्योंकि दमोह की जनता ने वो 15 महीने भी देखे जब कांग्रेस ने राज किया और वो 1 साल भी देखा है जब बीजेपी सरकार राज कर रही है, तो ऐसे में दमोह की जनता के लिए कितनी मुश्किल और कितनी चुनौती है अपनी सरकार चुनने के लिए? देखिए, कोई भी उपचुनाव होता है ऋतु, तो ये मानकर चलिएगा कि उपचुनाव में सत्ता शीर्ष होती है, सत्ता शीर्ष होती है, ये बात अलग है। लेकिन हाँ, जहां तक आप जनता की बात कर रही हैं, जनता ये तय करेगी, क्योंकि दोनों ही लोकल, एक तरह से लोकल कैंडिडेट हैं, लोकल। लेकिन अजय टंडन 2 बार चुनाव हार चुके हैं, क्या उनकी लोकप्रियता कितनी है ये हम बता नहीं सकते, जनता तय करती है। इसके बाद अगर बात करेंगे राहुल लोधी, राहुल लोधी के ऊपर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि वो पहले कांग्रेस से जीत के आए थे, भाजपा चले गए, उसके बाद उनके एक वीडियो बहुत पुराना वायरल हो रहा है, वो भी लोग प्रचार का माध्यम बना रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जनता जनार्दन तय करती, जनता आखिर किसको शीर्ष पर बिठाना चाहती है वो सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन 17 तारीख को जो तारीख है वो किसके लिए खतरा बनेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, तो दमोह सीट पर प्रचार लगातार यहाँ शुरू हो चुका है, दोनों ही दल अपनी जीत का दावा और वादा करते हुए नजर आ
जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से आगे जाकर दमोह के दंगल को चुनौती भरते हुए यहाँ नजर आते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगले खबर का, जहाँ पश्चिम बंगाल और असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों के 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि असम में भी अंतिम चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार थम जाएंगे। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। गेजी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और ऐसे में हर दल ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है, चाहे 4 राज्यों की बात कर ली जाए और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए। अब यहां पर किस तरह से 6 अप्रैल की तारीख को देखा जाए, जो तीसरा चरण का मतदान होना है? देखिए ऋतु, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, असम में दूसरे चरण का चुनाव है, तारीख होगी, लेकिन उसके बाद जो अगर बात करेंगे पुडुचेरी की और तमिलनाडु की, तो ये दोनों ही राज्य जो हैं एक फेज में चुनाव होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि AIDMK का इस बार रुख किसके, जनता का किस तरफ रुख रहता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा ने वहाँ भी अपनी शक्ति और ताकत झोंक रखी है। रही बात पश्चिम बंगाल की, जो आप बात कर रही हैं, पश्चिम बंगाल के हालात जिस तरह से पनपते जा रहे हैं, लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब आप देखिए वीडियो वायरल वाली बात आई सामने, ऑडियो वायरल वाली बात आ रही हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप की झड़ियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस झड़ी के साथ साथ अगर बात करेंगे कि आखिर ये रण किसको जीतना होगा, ये तय करना पड़ेगा। इस रण के साथ ही अगर बात करेंगे पुडुचेरी की, पुडुचेरी में कांग्रेस क्या अपनी वापस वापसी कर पाएगी? असम में भी यही हालात है कि कांग्रेस वहां जद्दोजहद कर रही है, कांग्रेस ये चाहती है कि उसकी सत्ता में वापसी हो जाए, लेकिन भाजपा और ताकत के साथ वहां प्रचार कर रही है। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि जो कल 6 तारीख को जो मतदान होना है, आखिर जनता किस तरफ रुख करेगी अपना। हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है टीएनएन में। सर, आपसे चुनाव को लेकर पहली बार बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस नजर आया है, अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जाए, तो पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? कल ही मेरी वहाँ आनंद बाजार पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी और उनका जो है एक, ये तो कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि अमुक व्यक्ति जीत जाएगा या अमुक पार्टी हार जाएगी जीत जाएगी, लेकिन उनका कहना ये था कि ममता बनर्जी तेजी से लूज कर रही हैं, उनका ये सेंटेंस था। तो मैंने और ज्यादा उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आपको लगता है कि आप जो है नंदीग्राम के बारे में कह रहे हैं या आलोर पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इतनी तेजी से आगे आगे बढ़ी है कि कोई ये नहीं कह पा रहा कि वो सत्ता तक नहीं भी पहुंचेगी। तो ये स्थितियां जो है वहाँ पश्चिम बंगाल के पत्रकारों के आकलन के रूप में है, काफी प्रसिद्ध पत्रकार हैं वो। तो मुझे जो जानकारी और जो रिपोर्ट मिल रही है इनके अलावा भी, उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी एक बहुत गंभीर किस्म की रणनीति के साथ और बंगाल में चुनाव लड़ा है और उसका जनता में एक शुद्ध विभाजन जनता में दिखाई देने लगा है। जो लोग कभी वामपंथी पार्टियों के साथ हुआ करते थे वो आज भटक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा का कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन जो है वहाँ तीसरी शक्ति बनने जैसा भी मौका नहीं पकड़ पा रही है। क्योंकि जो एक और मैं आपको चीज जो मुझे कल बताई गई वो मैं आपके चैनल को पर उल्लेख करना चाहता हूँ, उनका कहना ये था कि ममता बनर्जी जो है वो 2 गलतियां कर रही है। पहला, उन्होंने चोट का जो बहाना लिया वो एक्सपोज हो गई, ये शब्द था उनका कि वो एक्सपोज हो गई। दूसरा, उनका कहना था कि जो उनकी लैंग्वेज है वो गाली गलोच में जा रही है और गाली गलोच वही व्यक्ति करता है जो पराजित होता है, तो बोले इससे उनका नेगेटिव संदेश जाता है। जो तीसरी बड़ी बात जो थी, जो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दी कि क्या दीदी कहीं से और नामांकन भर रही है, ये एक बड़ा र्यूमर चला है जो मतदाता को भ्रमित करता है। मुझे लगता है कि सारी रणनीति का बीजेपी उपयोग कर रही है और ममता बनर्जी सिंगल फेस के रूप में जो है उनके सामने है, उनका दल काफी टूट चुका था इसलिए सिंगल चेहरे के रूप में जो है वो सामने है और वो स्थितियां नहीं है कि नाराजगी वामपंथियों से है जिसका लाभ ममता बनर्जी को मिल जाएगा या ममता बनर्जी से नाराजगी का लाभ भाजपा लेने की कोशिश कर रही है, ये राजनीतिक रूप से एक पलट स्थिति दिखाई दे रही है। शर्मा जी, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल था, बंगाल और खासकर केरल को लेके
बंगाल में जहां कांग्रेस ने जो है वाम दलों से दूरी बनाई, लेकिन केरल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि वाम दल के साथ केरल में तो सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दूरी बना ली। देखिए जी, ये सबसे बड़ी इसमें जो बात है, आपका एक बहुत गंभीर टिप्पणी है ये, और मेरा ये देखना रहा है कि विपक्ष जो है वो अपने अपने राज्य में सत्ता पक्ष बनना चाहता है, और बाकी जगह एंटी भाजपा बनना चाहता है कि भाजपा के विरुद्ध हम सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं। ममता बनर्जी की चिट्ठी भी इसी बात को इंगित करती है। एक इसी के साथ और देखिए कि एक तरफ जो है वो जनेऊ और दत्तात्रेय गोत्र और ये अपने अपने शालीन ढांडिल्य गोत्र ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ जो है वो गठजोड़ जैसी बात हो रही, चाहे वो असम की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे केरल की बात हो, केरल में भी मुस्लिम लीग के साथ जो है समझौता है। तो एक तरफ जो है आप ये कह रहे हैं कि हम तो धर्म निरपेक्ष है, दूसरी तरफ आप जो है कट्टरपंथी मुसलमान पार्टियां जो है उनके साथ आप समझौता कर रहे हैं, तो ये भी कांग्रेस को वहां नुकसान देगा। और कांग्रेस जो है यदि वामपंथियों के साथ मिलकर के लड़ रही है बंगाल में और उनके विरुद्ध लड़ रही है, तो जनता तो सब समझती ही है ना कि आखिर ये सब क्यों है। ये कोई सिद्धांतों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और इसके कारण इनको डैमेज हो रहा है, वो साफ दिखाई दे भी रहा है। ठीक बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल और बाकी जो राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले 6 अप्रैल को, तो उस तीसरे चरण के उसको लेकर आज प्रचार यहां थम जाएगा, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती हर दल की देखी जा रही है, पुरजोर कोशिश यहां जुटाई गई है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जहां करीब 3 से 4 घंटे चली मुठभेड़ में 8 जवान शहीद हुए, वहीं जबकि 24 जवान घायल हुए हैं, वहीं करीब 22 जवान लापता बताए जा रहे हैं। जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के सिंगरेल में पुणिया के बीच के इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है। इस बीच घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए 2 MI-17 हेलीकॉप्टर बीजापुर भेजे गए हैं, जहां बताया जा रहा है कि मौके पर 200 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का 1 जवान, तो वहीं आपको बता दें कि बस्तरिया बटालियन के 2 जवान और डीआरजी के जवान भी शहीद हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट हेड नितिन चौबे जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, फिलहाल किस तरह की अपडेट? वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ मीडिया कर्मी, कुछ सहयोगी वहां पहुंचे और वो वीडियो निकल के आ रहे हैं। उनके अनुसार आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं है, 24 जवान अब तक के शहीद की सूत्रों के मुताबिक और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के मुताबिक आ रही है, जिसमें 8 DRG के, 6 SCF के और 8 कोरबा बटालियन और बस्तरिया बटालियन के 2 जवानों की शहादत की खबर निकल के आ रही है। कुल 24 जवानों की शहादत को यहाँ माना जा रहा है कि हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर मीडिया कर्मी या कोई मीडिया का बंदा वहां तक पहुंच पाया है और उन जवानों के शहादत के वीडियो हम चला रहे हैं, और उसकी अगर शव की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो एक्शन फोर्स के ऊपर या जिस तरह से रिलीफ जवानों की मदद के लिए जो चौपर पहुंचाए जा रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल बिल्कुल निश्चित तौर पे खड़ा होता है। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, करीब 3 से 4 घंटे चली मुठभेड़ में 8 जवान शहीद हो गए, और अभी ये संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, आप बने रहिए TNN के साथ। नमस्कार।